साथियों, मैं अनुपम शुक्ला आपके अपने चैनल रूटीन कानपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज संडे का दिन है, कुछ मूड हुआ सामान्य टॉपिक से हटके किसी नए विषय पर चर्चा की जाए। चर्चा थोड़ा अलग ढंग की है, तो जब आपके पास थोड़ा खाली समय हो तभी सुनिएगा। विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, चारों तरफ विकास दुबे की ही चर्चा चल रही है। विकास दुबे न हुए भारत भाग विधाता हो गए, कोई और चर्चा ही नहीं समाज में। विकास दुबे, विकास दुबे उज्जैन महाकाल में पकड़े गए और कानपुर आते में रास्ते में उनका इनकाउंटर हो गया। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। सर, भारत चाइना का युद्ध की जो खबरें थी सारी गायब हो गई। विकास दुबे, सब कुछ विकास दुबे। कोई कह रहा नहीं पुलिस ने मार दिया, कोई कुछ कह रहा है, जितने वो उतनी बातें। और सबसे ज्यादा गूगल ट्रेंड में विकास दुबे का ही आ रहा है। तो विकास दुबे कौन था? विकास दुबे सर कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक सिस्टम का फेलियर था। अब आप कल्पना करिए, जिसने अपना करियर रेडियो मैकेनिक से शुरू किया हो और यहां तक पहुंच गया, अब आज जो आप उनके बारे में खबरें ट्रेंड में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये जो बच्चे आईआईटी बीटेक ये सब करते हैं, बताइए कुछ नहीं पढ़ा लिखा हो जो है, मतलब उसके विदेशों में पेंट हाउस है, नेताओं को ऐश करवा रहा है, अफसरों को ऐश करवा रहा है, तो क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा है सर, ये आज का टॉपिक भी थोड़ा सीरियस है, ये अन्य चैनलों पर जो आ रहा है उस तरीके का नहीं है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा गंभीर होकर इसको सुनिए। यंग एज में दर्जा प्राप्त मंत्री का थाने में मर्डर, 25 पुलिस वाले, कोई गवाही नहीं देता है, ये कहां से आया सर? कौन दोषी है सर इसके लिए? सिस्टम ऐसा हो गया है कि कोई एक इंडिविजुअल, चाहे वो एक सामान्य जन हो या कोई बड़ा आईपीएस आईएएस, आपको पता है बिहार में एक बार एक डीएम को भी दौड़ा दौड़ा के पीट के मार दिया गया था। सिस्टम में जो फंसा सर वो गया। कठिन सवाल है, कुछ भी कह देना आसान है। पहली चीज तो सर ये देखिए कि सारी खबरें चली गई, कोई पास्टी कोई अच्छी चीज चैनल पे लाता है कोई नहीं देखेगा सर, सबको मार धाड़ क्राइम यही सब देखना है। तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, क्योंकि हमको सेंसेशन मिल जाए उसी में हम खुश हो जाते हैं। और हम खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सेंसेशन के सिवा हमारी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कठिनाइयों के सिवा कुछ है नहीं। तो चल सर, चलिए सर सिस्टम में आते हैं। पुलिस, अब देखिए पुलिस पोस्ट हुई है, पुलिस के पास सर एक रिपोर्ट लिखाने के लिए कागज नहीं होता है, संसाधन नहीं है, वो पब्लिक से मांग के करती है। कई नई जगह गांव जंगल गुहार में पोस्टिंग हुई, न खाने का ठीक, न पीने का ठीक, कुछ भी नहीं ठीक, कोई संसाधन नहीं उनके पास। कोई मर जाए तो पंचनामे का पूरा पैसा भी उनके पास नहीं होता है, क्या अपने पास से लगा है? आखिर वो भी तो पढ़े लिखे घरों से आते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे होते हैं। तो जब गांव में इस तरीके का कोई बड़ा हुआ व्यक्ति, जो हर तरफ से उनको, एक तरफ उनको सब सारी सुविधा होती है और दूसरी तरफ जो है जान का खतरा और हर तरीके की जिल्लत, अफसरों से लताड़ तो पड़ती है, तो फिर क्या करेगा एक सामान्य पुलिसजन? वो भी तो एक इंसान ही है, वो मजबूरन उसी तरफ झुक जाता है सर कि उसका एक तरीके से काम चलता रहे। अब आती है सर जनता, जनता क्या करे? पुलिस के पास जाती है तो पुलिस उसकी सुनती नहीं है, तो फिर ले देके वो अपने जात के दबंग के पास जाती है और वो काम करवाता है। एक चेन सिस्टम बन जाता है, दबंग का दबंग ही से काम चलता है सिस्टम में, इंडिविजुअल को निचोड़ निचोड़ के खून चूसता रहता है और पुलिस अगर सुनेगी तो उसी की सुनेगी, प्रशासन उसी की सुनेगा। और पुलिस मैन जो है बेचारा, मान लीजिए बहुत आदर्शवादी है, अच्छे ढंग से आया है, लेकिन उसको तो अपने बॉस की सुननी पड़ेगी, और बास की, बास को दो मिनट में पैदल किया जा सकता है, बास को कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग कर देंगे कि भंडारण निगम में हो गए तुम, उसमें हो गए, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता है। बड़े बड़े सपने लेके सब अधिकारी और पुलिस वाले आते हैं, आजकल पुलिस वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं सर, दूर से देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन अगर आप उनकी जगह रख के देखेंगे तो वो भी लाचार होते हैं। अब आते हैं नेता, नेता को बहुत गाली दी जाती है, नेता बहुत खराब होते हैं। एक अपने योगी जी हैं, उनको सर अपनी छवि की चिंता है, सख्त छवि उन्होंने बना रखी है,
अगर विकास दुबे जिंदा रह जाता तो उनकी छवि पर आ जाती, तो उन्होंने तो जो छवि बनाई उसके अनुरूप उनको कार्य करना ही था। अब देखिए दूसरे नेता, नेता सर अगर सत्ता में नहीं है तो वो दो कौड़ी का हो जाता है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। कोरोना काल में तो और भी, कोरोना के चक्कर में वो बेचारा कोई अपनी गतिविधि नहीं कर सकता, किसी के अंदर कोई भावना होती लोगों के विरोध करने की तब वो नेता बनता है, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सभी नेता कुछ ना कुछ, सब में बुराइयां होंगी सर तो अच्छाइयां होंगी। हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग केवल बुराइयां देखते हैं। इलेक्शन में जिसकी सरकार बन गई, इलेक्शन में सर जिसकी सरकार बन गई, चाहे उसने एमएलए तोड़े या कुछ भी किया, वो बादशाह है और बाकी सब जीरो हो गए। कोई 45% वोट पाया, मतलब एक जन को मिले 2 लाख वोट में, एक कोई 95, तो एक 95 वाला जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। कोरोना काल में बेचारा घर घर बैठा रहेगा और बेचारे नेता भी कितना भी सर डेवलपमेंट कर ले, जनता जो है वोट जब देने जाएगी तो जात बिरादरी के हिसाब से देगी, तो उसके भी मन में आता है कि क्यों दुनिया जहान की मगजमारी की जाए। तो कास्ट क्वेश्चन पे जनता वोट करती तो वही कॉम्बिनेशन बनाओ, किसी तरीके से जीत जाओ और वोट न कट जाए। सर इस चक्कर में नेता सच बोलने से भी घबराते हैं, क्या करें, वो हार के बैठ जाए, आखिर उन्होंने भी करियर लगाया होता है, हैं? हम आप तो अपना बिजनेस नौकरी सब करके काम चला लेते हैं और उसके पास कौन सा होता है, 10 रुपया कहीं से मिल जाए तो कहते नहीं तुमने भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया। तो सर इतना इजी नहीं जितना आपको दिख रहा होता है। और सिस्टम की नाकामी सर, राजन पिल्लई बिस्कुट किंग होते थे, शायद आपने नाम सुना हो, तिहाड़ जेल में सर 1995 साल की एज में उनकी डेथ हो गई, लैक ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, उनको उचित समय पे सुविधाएं नहीं मिली, लिवर की बीमारी से ग्रस्त थे, उनका कुछ फ्राड का डॉलर्स का फ्राड का था बड़ा, उन्होंने बिजनेस अच्छा चमाया था, साउथ के थे और यंग एज के थे, पैसे वाले थे तो और भी यंग लगते हैं, 47 सर वैसे कोई ज्यादा एज भी नहीं होती है, 47 साल की उम्र में कुछ रुपए गबन के चक्कर में जेल में गए और चौथे दिन जो है बेचारे सब सिधार गए, ये सिस्टम का फॉल्ट था। और उसके बाद 16 साल बाद उनकी पत्नी नीना पिल्लई को कंपेंसेशन मिला, कंपेंसेशन सर रुपए मिले होंगे ना, कंपेंसेशन में जान तो नहीं मिली होगी, अच्छा खासा एक बिजनेस टाइकून था इंडिया का, चला गया। तो ये सर सिस्टम है, सिस्टम में जो फंसा वो गया, बच नहीं सकता है। पुलिस के आला अधिकारियों को तो मैंने बताया अच्छी पोस्टिंग के चक्कर में पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य नहीं कर पाते हैं। और हाँ सर एक नेता दिग्विजय सिंह भी है, बड़ी उनकी बुराइयां होती हैं सर, वो शख्स 2 टर्म चीफ मिनिस्टर रहा है 10 साल तक, मध्यप्रदेश की रग-रग से वापस गए, बहुत कमियां होंगी उसमें, लेकिन क्या सारी कमियां हैं? यहां ट्रेंड यह है कि पहले मुझे पर्सन बताओ, मैं बताऊंगा अच्छा है बुरा है, सब लेके लाठी पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ा जजेस पे भी बात कर लेते हैं सर, भैया जजेस सबूतों पर ही तो फैसला देगा, संतोष शुक्ला के 25 गवाह थे, कोई नहीं आया तो जज क्या अपनी तरफ से फैसला दे देगा? फिर उसको भी तो, उसके सामने भी तो एक तरफ गोली बारूद और दूसरी तरफ पैसा है, तो क्या करेगा? वो जानता है मैं सिस्टम में कुछ नहीं कर सकता हूं। और फिर सर उसको सबूतों पे फैसला देना है, जो सबूत आएगा उसी पे फैसला देना है, अगर उसके सामने सबूत नहीं आया तो वो नहीं अपनी तरफ से फैसला दे सकता है। सारे गवाह सर टूट जाते हैं, गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, तो फिर वो फैसला कैसे दे, फिर इतने मुकदमे हो तो फिर वो किया क्या जाए। और हाँ सर पुलिस वाले में एक बात और छूट गई, कोई मर्डर हो गया, कुछ हो गया, लाश लावारिस मिल गई, अब उसको ले जाना है, अब कैसे जाएगी लाश? आप अगर पुलिस वाले हो या मैं पुलिस वाला हूं तो कैसे उस चीज की व्यवस्था करूंगा? मुझे उन्हीं लोगों से बार बार सहायता लेनी पड़ती जो क्षेत्र के दबंग होते हैं, तो फिर वो बाद में धीरे धीरे मैं उनका गुलाम होता चला जाता हूं, ये होता है। और दूसरी चीज जज सर, अगर वो तारीख पे ना दे तो क्या करें? इतने सारे मुकदमे लगे हुए हैं जिनको करने में उसकी पूरी उम्र गुजर जाएगी, पूरा सिस्टम हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो सर इस पूरी चेन में जितने लोग बैठे हैं सबको मालूम है कुछ नहीं हो सकता है। मुद्दा बहुत बड़ा है सर, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसका ध्यान रखूंगा। और मीडिया सर, मीडिया दिन भर में 4-5 खबरें होती हैं, बट उनको 24 घंटे दिखाना है, तो 24 घंटे जब खबरें दिखाएंगे तो क्या करेंगे? उसी को घुमा फिरा के उसने इस चैनल पे ऐसे दिखाया तो मैं ऐसे दिखाऊं, सारे चैनल जो है अपने आका के हिसाब से चलते हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं है, वो वही उसी तरीके से करेंगे। तो
ये तो बड़ी निगेटिव बातें होंगी। तो चारा क्या है? सिस्टम तो पूरा ध्वस्त पड़ा हुआ है। तो सर विकास, मैंने कहा ना विकास दुबे कोई व्यक्ति नहीं है, ये फिनोमिना है कि मतलब वो बिल्कुल डेथ विश लेके निकला सर, रेडियो बनाते बनाते कुछ लोगों को मारा पीटा कर दिया, तो चलो ठीक है, पॉलिटिशियन को भी लगता है कि चलो इसको सामने करके कर लेंगे, लोगों के काम भी करवा देंगे, और एक वो बनता चला गया, एक दिन उसको वो चला गया, एक दिन उसको दुनिया से वो रुखसत हो गया। तो सर एक आशा की किरण है सोशल मीडिया, एक मीडिया है चौथा, एक चौथा है सोशल मीडिया। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में जो खबरें आती हैं वो चूंकि एक जन आंदोलन का रूप ले लेती हैं, तो हमारे कर्ता धरता हुए चाहे प्रशासन में बैठे लोग हों चाहे नेता लोग हों, उनको उसका ध्यान रखना पड़ता है सर। तो आप कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी सक्रियता रखें। जैसे कि माना जाता है कि मीडिया इस तरफ या उस तरफ वाला पहले से डिसाइड कर लेता है, उसी हिसाब से वो रिपोर्टिंग करता है। तो इस वक्त लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ सोशल मीडिया है, हम और आप सोशल मीडिया पर जो राय बना देते हैं प्रशासन को उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। जैसा कि आप शायद आपको याद होना, प्रियदर्शनी मिट्टू के केस में अभियुक्त छूट गया था, उसने एक लड़की का रेप और मर्डर कर दिया था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया तो उतना नहीं था, लेकिन लोग मोमबत्तियां लेके कई बार निकले थे, तो एक जनमानस बना था, तो उसको सजा हो गई थी। और दूसरा केस नीतीश कटारा वाला था, तो उसमें भी इसी तरीके से छूट जाने के बाद सोशल मीडिया के उससे और लोगों के सपोर्ट से न्याय मिल पाया था। सर सवाल बड़े हैं और कोई इन्हें हल नहीं कर सकता है सर, जो सिस्टम में फंसेगा उसको मुश्किलें होंगी। तो कभी फिर कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा सर, तो इस बारे में आगे भी बात करूंगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग तो अपने रूटीन में बंधे हुए हैं, हम लोग अगर सिस्टम से टकराएंगे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना ही कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन बनाएं, इस वीडियो को जैसा आप लोग रिस्पांस देंगे उसी हिसाब से आगे किया जाएगा। सवाल अभी अनआंसर्ड है, और इतना ही है कि विकास में कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक सिस्टम है, सिस्टम की नाजायज पैदाइश कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उससे उपजा हुआ शख्स है। और अगर आप इंडिविजुअली देखें तो पूरे सिस्टम में जो भी जहां पे है वो बहुत ज्यादा गलत नहीं है सर, अकेला कुछ नहीं कर सकता है कोई, इसके लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितने सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे तब जाके मुकदमों की संख्या कम हो, पुलिस को संसाधन मिले, पुलिस की सैलरीज वगैरह इतनी उनकी क्या नाम है लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आए, उनको तनख्वाह उनका अच्छी मिले। और इसमें सर बेरोजगारी का भी मुद्दा है, जब गांव में एक तरफ तो खेती में मड़िया करो तो 100-200 रुपए मिलेगा, दूसरी तरफ किसी विकास दुबे का साथी बन के करोड़ों के वारे नारे हो सकते हैं, तो सर उधर ही जाएगा आदमी। तो बात ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूं आपके साथ इस समय, तो आप खुद ही फैसला करिए कि दोषी कौन, पूरे सिस्टम में दोषी कौन। जय हिंद साथियों, और हाँ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। और हाँ सर, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का बल्कि कवर नहीं। विकास दुबे जी का ये आगे एक वीडियो डाल रहा हूँ जो इस घटना से करीब 7-8 दिन पहले का है। तो सर कहाँ पता लगता है कल क्या होने वाला है? तो जब पता ही नहीं कल क्या होने वाला है तो उसकी चिंता करने से क्या फ़ायदा? वही है सर बुरे काम का बुरा नतीजा। अब अली आपका क्या होगा, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली, जनाब अली आपका क्या होगा। अली आपका क्या होगा।
उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका शुक्रिया। और सर प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़े इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो क्वालिटी और बढ़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे।